साल 2014 में रिलीज हुई कुंग फू किलर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डोनी येन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था कुंग फू किलर मूवी था, जो साल 2014 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि कुंग फू किलर मूवी जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2014 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.4 है और इस रोटन टोमेटो 75% है और इस मेटासर की 66% है और इस कुंग फू जंगल मूवी की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को हांगकांग के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टेडी चैन थे और यह मूवी चाइनीज कैंटोनिस मैंडरिन में लैंग्वेज में रिलीज की गई और इस मूवी के स्टोरी बाई टेडी चैन लॉन्ग होंग हैं और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट बाई एम्पियर मोशन पिक्चर हैं। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ था। और अब बात करते हैं कुंग फू जंगल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डोनी येन इज ऑलवेज ग्रेट सो 4 स्टार अलोंग फॉर हिम फॉर ऑफिशियल एक्शन डायरेक्टर इज क्रेडिट ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रेल्स द स्टार ऑफ रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन एंड गुड थिंक अबाउट स्टील बेटर देन एंड गुड अमेरिकन सिनेमा अटैम्प्ट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्शन सिक्वेंसी बट नॉट ऑफ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ हुरी ATD फियरलेस ट्रू लीजेंट द रिबल सीरीज ऑन द वर्थ ऑफ वियजरा ऑल ओवर आल्सो होल नेस्टली फॉरबिडन किंगडम ऑल द सन विंगकोंग फिल्म एंड एक्सप्रेशन जेट ली स्टार्ट लाइक वन ऑफ द डोनी येन स्टार्टर लाइक SPL एंड लुक्सिया कैन बीट दिस एंड डाउन ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वालिटी हाउ एवर फॉर द हार्ड कोर कुंग फू अडेक्ट मी इंक्लूड दिस वन इज डेफिनेटली ए गुड वॉच इवन वर्थ बाइंग ए DVD ऑल इन ऑल रिकमांडेड एक्शन सिक्वेंसी आर एज यू वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मूवी विथ डोनी येन वेरी गुड इज डीड द ग्रिप ए आई हैव टू दैट द स्टोरी लाइन इज प्रीती वीक आई फाउंड इट हार्ड टू ग्रैप वाट वाज स्टोरी वाज एक्चुअली अबाउट वाज इज द डिफॉर्मेड लैग विज स्ट्रगल टू ओवरकम इज डिसबिलिटी और इज दैट वाइफ एंड हार्ड कैंसर मे बी इज गुड ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश सब टेक्स्ट गुड मूवी इधर वे होप दिस आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी एंड बेस्ट मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट बेस्ट एक्शन सीन्स आई एम ड्यू हार्ड फैन ऑफ डोनी येन द सुपर हीरो ही इज ए सो गुड इज एक्टिंग एज वेल एज इज स्टैंड अपियर क्लोज टू रियलिटी दिस मूवी इज अनडाउटफुल अनोदर फीदर इज द ग्लोरीफाइल्ड कैप एज मेरिटेरियल आर्ट्स फिल्म गो दिस वन इज द अप देर विथ एंट्री द ड्रैगन डोनी येन इज आउटस्टैंडिंग एंड ही इज ए डिस्टेंट स्टोरी टू ग्रेट एक्टिंग गुड करेक्टर लव दिस मूवी हॉरर बिल स्टोरी लाइन एंड सेटिंग वेस्टेड एंड 100 मिनट इज माई लाइफ एवरी थिंग इज नॉन सेंस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस दिस एंड स्टेप थैंक यू गुड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स एंड जस्ट वेस्टेड टाइम नो मनी फिनोमिनल मूवी वर्स्ट एंड बोर्डम नॉन सेंस स्टोरी रियल आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ ए मूवी नो एक्चुअली प्लॉट नो आइडिया नथिंग टू फॉलो इवन पार्ट सीन्स आर मोस्टली
थिंग टू वेट फॉर एंड आई लाइक एशियन एक्शन मूवी फॉर डिज्नी होनर एंड मटेरियल आर्ट सिनेमाटोग्राफी एयर इज अबाउट द लेटर वॉज नॉट रियली इम्प्रेसिव ओवरऑल क्यूट ए डुल ऑफ ग्रे मूवी बेस्ट चाइनीज फिल्म आई एवरी वॉच बेस्ट एक्शन बेस्ट एक्टिंग नॉट ए सेकेंड द स्क्रीन प्ले फील यू बोरिंग यू हैव टू वॉच इट द स्टोरी ऑफ कुंग फू किलर हु इज अदर नंबर वन पीपुल फाइटर बॉक्सर किक फाइटिंग स्पेशलिस्ट मटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन ही इज नेल्ड टू एक्सीडेंटली किलिंग ए मैन व्हेन ए फ्यू कुंग फू एक्सपर्ट आर किल्ड इज ऑफर टू हेल्प द कॉप्स इज रिटर्न फॉर दिस फ्रीडम बट इज डिप्रेशन सोक्स द कॉप्स एंड एब्सोल्युटली ब्रेक टेकिंग आई हैड टू वॉच द पोर्ट शो डाउन अगेन एंड अगेन ए रियल लव लेटर टू द कुंग फू फिल्म लीजेंड ट्रिपल एक्स ए क्लीन एंड पुलिस वे नॉट टैक्सिंग एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फाइट सीन्स एट द एंड विथ द किलर एंड यन वेरी वर्चुअल एंजॉय वेरी नाइस मूवी द एक्टर पुट जीनियस इफेक्ट द एक्शन आर टू हाई क्वालिटी द मूवी इज बेटर दैन मार्वल पिक्सर बिग इनपावरमेंट आफ्टर द लास्ट डोनी यन मूवी आइसमैन आइसमैन वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डोनी यन मूवी आई लाइक दिस मूवी बिकॉज द मूवी मेक मी वेरी एग्जिट एंड आई लाइक द मोस्ट एक्टर एंड कास्ट ऑफ दिस फिल्म डोनी यन नेवर लेट इज एज डाउन इंटेंसिटी मटेरियल आर्ट सिक्वेंसी अमेजिंग टू वॉच एज वेल ए गुड मूवी एक्शन थम्स अप फॉर डोनी यन आई एम इज बिग फैन बेस्ट मटेरियल आर्ट्स मूवी आई हैव सीन साइलेंस आई पी मैन वन से फोर गुड मूवी बट स्टॉप फाइटिंग ऑन द रोड ऑलरेडी इज अनाउंस्ड टू वॉच विथ ऑल ड्यूज ट्रक रनिंग यू ओवर गुड मूवी एंड इट इज एक्शन फिल्म यू कैन फील एंड एंजॉय इट गुड मूवी टू वॉच गुड एक्शन विथ डोनी यन गुड एक्टर नाइस स्टोरी बेस्ट फाइट सीन्स ऑलवेज सम एक्शन बेस्ट एक्शन मूवी एवरी आई सीन लव इट वर्स्ट बेट बेटर बेस्ट मटेरियल आर्ट्स मूवी आई एवरी वॉच आई हुज इट गुड हुग फैन ऑफ कुंग फू ग्रेट प्लानिंग एंड कराटे मटेरियल आर्ट्स ऑफ दिस मूवी वेरी डोनी यन ऑलवेज ऑफ दिस फोर स्टार एक्शन डायरेक्टर इन क्रेडिट प्रीती कूल ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रॉल्स द एंड स्टार्ट इज रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन यस फाइनल डेस्टिनेशन लुक फॉर इट इट इज स्टिल बेटर दैन ऑल ऑफ द मूवी इज रेदर दैन ऑफ फ्रेंचिस अमेरिकन सिनेमा बेस्ट अटैम्प्ट एंड एक्टिंग फाइटर फिल्म इमो द वॉरियर्स दिस इज वर्थ वॉचिंग जस्ट नॉट अप टू वॉच मच बेटर दैन लाइक ऑफ प्लेस अपॉइंट पर्सनल फेवरेट राइजिंग फायर रिप बैनी चो स्पेशल आई डी एंड काउंटलेस अदर ग्रेट डोनी यन कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्टिंग सिक्वेंसी बट ऑफ द क्वालिटी आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड थिंक अबाउट एंड कुंग फू किलर इज असेंबली अबाउट द क्यूट ऑफ द टू मैन टू द बेस्ट फाइटर अलाइव द विलन इज वेरी ओवर आर्ट देयर बेस्ट द एक्शन इज प्रीति एक्सीलेंट ऑफरिंग मैनी मेमोरेबल फाइट सीन्स पर्टिकुलर द सिनेमैटिक फाइट सीन्स बिटवीन हाउ एंड द विलन ऑफ द मटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द पुलिस फोर्स गेट इम्प्रोवाइजेशन आफ्टर किलिंग ए मैन बाई एक्सीडेंट बट वैन वैक्सन किलर स्टार्ट फॉर टारगेट मटेरियल आर्ट्स आफ्टर ए थ्रिलियर स्टेक आउट इन द वाटर वेज ऑफ लनतू पीवेर पीपुल ऑलमोस्ट कैच कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंग इट इज पीती दैन दिस इज अनबीअवेलेबल ब्लैंड फिल्म इज द स्टाइल एंड स्टोरी डेस्पाइट ए फ्यू गुड स्टेज फाइट सिक्वेंसी बाई आरोन हिल्स फुल रिव्यू इट इज जस्ट एंड आउट मटेरियल आर्ट्स मूवी विथ एन अप ऑफ ए प्लॉट टू गिव मीनिंग टू द फाइट एज अपोजिशन टू जिलेंस ओ वेरी पुअर एंड मटेरियल आर्ट्स एंड एंटरटेनिंग होंग कोंग एक्शन विथ ए लॉयर विद एन स्टोरी लाइन एंड सम लोल स्कूल सेट पीस डोनी यन एंड वांग बियोंग इम्प्रेसिव विथ इट इज द 10th थ्रिलियर मिनट ऑफ एड टू हैंड कॉम्बैक्ट ग्रेपलिंग एंड वेपन्स बैम्बो स्टिक दिस इज एंड डाउन ऑफ दिस गुड ए मटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्किंग एट ए पुलिस
एकेडमी गेट्स इम्प्रेसिव आफ्टर किलिंग ए मैन बाई एक्सीडेंट बट वैन विक्सन किलर स्टार टारगेट वाइल ब्लड मून वाज ए सिंपल कुंगफू फ्लिक विथ नो हायर एमिनेशन कुंगफू जंगल टैक द सेम आइडिया एंड ट्राइड ऑफ दिस गुड थिक एवरी सिंस इज एक्सीलेंट टर्न इन द पैटर चैन सुपर वक्स एंड गुड 2011 मेटेरियल आर्ट्स स्प्रीडेड डोनियन कैरियर एड सीन ऑफ अंडरवार्मिंग विथ पैनसिम ऑन रोटेटो टोमेटो द फिल्म इज एट 71% स्कोर बेस्ड ऑन 70 रिव्यू विथ एन एवरेज रेटिंग ऑफ गुड डोनियन ऑफ कुंग फू किलर रेटेड इट आई एम बेस्ड क्यूज एंड आई हैव बीन ए मेटेरियल आर्ट्स फैन माई एंट्री लाइफ बट डोनियन ऑलवेज डिलीवरी अमेजिंग फाइट सीन्स इज ग्रेट डायरेक्टर कैन बी दिस हाईली रिकमेंडेड द सिनेमाटोग्राफ इज मोर ट्रेडिशनल एंड प्लेस पॉइंट ऑफ दिस मूवी रिव्यू फॉर दिस मूवी। साल 2014 में रिलीज हुई कुंग फू किलर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डोनी येन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था कुंग फू किलर मूवी था, जो साल 2014 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि कुंग फू किलर मूवी जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2014 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.4 है और इस रोटन टोमेटो 75% है और इस मैटर्सर की 66% है और इस कुंगफू जंगल मूवी की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को हांगकांग के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टेडी चैन थे और यह मूवी चाइनीज कैंटोनीज मैंडारिन में लैंग्वेज में रिलीज की गई और इस मूवी के स्टोरी बाई टेडी चैन लॉन्ग होंग है और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट बाई एम्पियर मोशन पिक्चर हैं। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ था। और अब बात करते हैं कुंग फू जंगल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डोनी येन इज ऑलवेज ग्रेट सो 4 स्टार अलोंग फॉर हिम फॉर ऑफिशियल एक्शन डायरेक्टर इज क्रेडिट ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रेल्स द स्टार ऑपरेस एमली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन एंड गुड थिंक अबाउट स्टील बेटर देन एंड गुड अमेरिकन सिनेमा अटैम्प्ट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्शन सिक्वेंसी बट नोट ऑफ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ हुरी ATD फियरलेस ट्रू लीजेंट द रिबल सीरीज ऑन द वर्थ ऑफ वियजरा ऑल ओवर आल्सो होल नेस्टली फॉरबिडन किंगडम ऑल द सन विंगकोंग फिल्म एंड एक्सप्रेशन जेट ली स्टार्ट लाइक वन ऑफ द डोनी येन स्टार्टर लाइक SPL एंड लुक्सियम कैन बीट दिस एंड डाउन ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वालिटी हाउ एवर फॉर द हार्ड कोर कुंग फू अडेप्ट मी इंक्लूड दिस वन इज डेफिनेटली ए गुड वॉच इवन वर्थ बाइंग ए DVD ऑल इन ऑल रिकमेंडेड एक्शन सिक्वेंसी आर एज यू वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मूवी विथ डोनी येन वेरी गुड इज डीड द ग्रिप ए आई हैव टू दैट द स्टोरी लाइन इज प्रीती वीक I found it hard to grasp what was story was actually about was is the deformed leg which struggled to overcome his disability or is that wife and heart cancer maybe is good translation from Chinese to English subtext good movie either way
होप दिस आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी एंड बेस्ट मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट बेस्ट एक्शन सीन्स आई एम ड्यू हार्ड फैन ऑफ डोनी डियन द सुपर हीरो ही इज ए सो गुड इज एक्टिंग एज वेल एज इज स्टैंड अपियर क्लोज टू रियलिटी दिस मूवी इज अनडाउटफुल अनोदर फीदर इज द ग्लोरीफाइड कैप एज मेरिटेरियल आर्ट्स फिल्म गो दिस वन इज द अप देर विथ एंट्री द ड्रैगन डोनी is outstanding and he is a distant story to great acting good character love this movie horror villain storyline and setting wasted and 100 minute is my life everything is nonsense and good think about very fantastic I have every scene of this good performance this and step thank you good watch on Netflix and just wasted time no money phenomenal movie worst and boredom nonsense story real I did not think much of a movie no actually plot no idea nothing to follow even part scenes are mostly nothing thing to wait for and I like Asian action movie for Disney honor and material art cinematography here is about the latter was not really impressive overall cute a duel of grey movie best Chinese film I ever watch best action best acting not a second the screenplay feel you boring you have to watch it the story of kung fu killer who is other number one people fighter boxer kick fighting is स्पेशलिस्ट मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन ही इज नेल्ड टू एक्सीडेंटली किलिंग ए मैन व्हेन ए फ्यू कुंगफू एक्सपर्ट आर किल्ड इज ओपर टू हेल्प द कॉप्स इज रिटर्न फॉर दिस फ्रीडम बट इज डिप्रेशन सोक्स द कॉप्स एंड एब्सोल्युटली ब्रेक टेकिंग आई हैड टू वॉच द पोर्ट शो डाउन अगेन एंड अगेन ए रियल लव लेटर टू द कुंगफू फिल्म लीजेंड ट्रिपल एक्स ए क्लीन एंड पुलिस वे नॉट टैक्सिंग एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी fight scenes at the end with the killer and yen very virtual enjoy very nice movie the actor put genius effect the action are too high quality the movie is better than marvel picture big empowerment after the last donnie yen movie iceman was one of the worst donnie yen movie I like this movie because the movie make me very excited and I like the most actor and cast of this film donnie and never let is as down intensity material art sequence amazing to watch as well a good movie action thumbs up for Donnie and I am is a big fan best material arts movie I have seen Silence IP Man once a four good movie but stop fighting on the road already is announced to watch with all those truck running you over good movie and it is action film you can feel and enjoy it good movie to watch good action with Donnie Yen good actor nice story best fight scenes always some action best action movie every I seen I love it worst best material arts movie I every watch I use it good hug fan of kung fu great planning and karate material arts of this movie very Donnie Yen always of this four star action director in credit Preeti Cool all through the story goes a little of the rails the end start is resembly something is between lethal weapon and final destination yes final destination look for it it is still better than all of the movies rather than of Francis American cinema best attempt an acting fighter film emo the warriors this is worth watching just not up to watch much better than like of place a point personal favorite rising fire रिप बैनी चो स्पेशल आईडी एंड काउंटलेस अदर ग्रेट डोनी यैन कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्टिंग सिक्वेंसी बट ऑफ द क्वालिटी आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड थिंक अबाउट एंड कुंग फू किलर इज असेंबली अबाउट द क्यूट ऑफ द टू मैन टू द बेस्ट फाइटर अलाइव द विलन इज वेरी ओवर आर्ट देर बेस्ट द एक्शन इज प्रीति एक्सीलेंट ऑफरिंग मैन
मैनी मेमोरेबल फाइट सीन्स, पर्टिकुलर द सिनेमैटिक फाइट सीन्स बिटवीन हाउ एंड द विलन ऑफ द मटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द पुलिस फोर्स गेट इम्प्रोवाइजेशन आफ्टर किलिंग ए मैन बाई एक्सीडेंट बट वैन वैक्सन किलर स्टार्ट फॉर टारगेट मटेरियल आर्ट्स आफ्टर ए थ्रिलर स्टेक आउट इन द वाटर वेज ऑफ लन टू पीवेर पीपुल ऑलमोस्ट कैच कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंग इट इज पीती दैन दिस इज अनबीअवेलेबल ब्लैंड फिल्म इज द स्टाइल एंड स्टोरी डेस्पाइट ए फ्यू गुड स्टेज पार्ट सिक्वेंस बाई आरोन हिल्स फुल रिव्यू इट इज जस्ट एन आउट एंड आउट मेटेरियल आर्ट्स मूवी विथ एन अप ऑफ ए प्लॉट टू गिव मीनिंग टू द फाइट एज अपोजिशन टू जिलेंस ओ वेरी पुअर एंड मेटेरियल आर्ट्स एंड एंटरटेनिंग कोंग होंग कोंग एक्शन विथ ए लॉयर विद एन स्टोरी लाइन एंड सम लोल स्कूल सेट पीस डोनी येन एंड वांग बियोंग इंप्रेसिव विथ इट इज द 10th थ्रिलियर मिनट ऑफ एड टू हैंड कॉम्बैक्ट ग्रेपलिंग एंड वेपन्स बैम्बो स्टिक दिस इज एंड डाउन ऑफ दिस गुड ए मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्किंग एट ए पुलिस Academy gets impressive after killing a man by accident, but when Vixen killer start target while Blood Moon was a simple kung fu flick with no higher ammunition. Kung Fu Jungle take the same idea and tried up this good thick every since is excellent turn in the Peter Chan super works and good 2011 material arts is predated Donnie Yen career had seen up underwhelming with fans on Rotten Tomato the film is at 71% score based on 70 review with an average rating of good Donnie Yen of Kung Fu Killer rated it IMDb based cues and I have been a material arts fan my entry life but Donnie Yen always delivery amazing fight scenes is great director can be this highly recommended the cinematography is more traditional and place point of this movie review for this movie साल 2014 में रिलीज हुई कुंग फू किलर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डोनी येन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था कुंग फू किलर मूवी था, जो साल 2014 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि कुंग फू किलर मूवी जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2014 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.4 है और इस रोटन टोमेटो 75% है और इस मैटर्सर की 66% है और इस कुंग फू जंगल मूवी की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को हांगकांग के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टेडी चैन थे और यह मूवी चाइनीज कैंटोनिस मैंडरिन में लैंग्वेज में रिलीज की गई और इस मूवी के स्टोरी बाई टेडी चैन लॉन्ग होंग हैं और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट बाई एम्पियर मोशन पिक्चर हैं और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ था। और अब बात करते हैं कुंग फू जंगल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डोनी येन इज ऑलवेज ग्रेट सो 4 स्टार अलोंग फॉर हिम फॉर ऑफिशियल एक्शन डायरेक्टर इज क्रेडिट ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रेल्स द स्टार
अदर ऑपरेशन असेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन एंड गुड थिंक अबाउट स्टील बेटर देन एंड गुड अमेरिकन सिनेमा अटेम्प्ट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्शन सिक्वेंसी बट नोट ऑफ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ फूरी एटीडी फियरलेस टू लीजेंट द रिबल सीरीज ऑन द वर्थ ऑफ वियजरा ऑल ओवर आल्सो होल नेस्टली फॉरबिडन किंगडम ऑल द सन विंगकोंग फिल्म एंड एक्सप्रेशन जेट ली स्टार्ट लाइक वन ऑफ द डोनियन स्टार्टर लाइक एसपीएल एंड लुक्सियम कैन बीट दिस एंड डाउन ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वालिटी हाउ एवर फॉर द हार्ड कोर कुंग फू अडेक्ट मी इंक्लूड दिस वन इज डेफिनेटली ए गुड वॉच इवन वर्थ बाइंग ए डीवीडी ऑल इन ऑल रिकमेंडेड एक्शन सिक्वेंसी आर एज यू वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मूवी विथ डोनियन वेरी गुड इज डीड द ग्रिप ए आई हैव टू दैट द स्टोरी लाइन इज प्रीति वीक आई फाउंड इट हार्ड टू ग्रैप वाट वाज स्टोरी वाज एक्चुअली अबाउट वाज इज द डिफॉर्मेड लैग विज स्ट्रगल टू ओवरकम इज डिसबिलिटी और इज दैट वाइप एंड हार्ड कैंसर मे बी इज गुड ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश सब टेक्स्ट गुड मूवी इधर वे Hope this I have everything about very and best movie and good thing about very intelligent best action since I am due hard fan of Donnie Yen the superhero. He is a so good is acting as well as his stunt appear close to reality. This movie is undoubtful. Another feather is the glorified cap as meritorious arts film go. This one is the up there with entry the Dragon Donnie Yen. Is outstanding and he is a distant story to great acting good character love this movie horror villain storyline and setting wasted and 100 minute is my life everything is nonsense and good think about very fantastic I have every scene of this good performance this and step thank you good watch on Netflix and just wasted time no money phenomenal movie worst and boredom nonsense story real I did not think much of a movie no actually plot no idea nothing to follow even fight scenes are mostly nothing thing to wait for and I like Asian action movie for Disney honor and material art cinematography is about the latter was not really impressive overall cute a dual of grey movie best Chinese film I ever watch best action best acting not a second the screenplay feel you boring you have to watch it the story of Kung Fu killer who is other number one people fighter boxer kick fighting स्पेशलिस्ट मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन ही इज नेल्ड टू एक्सीडेंटली किलिंग ए मैन व्हेन ए फ्यू कुंग फू एक्सपर्ट आर किल्ड इज ऑफर टू हेल्प द कॉप्स इज रिटर्न फॉर दिस फ्रीडम बट इज डिप्रेशन सोक्स द कॉप्स एंड एब्सोल्युटली ब्रेकटेकिंग आई हैड टू वॉच द पोर्ट शो डाउन अगेन एंड अगेन ए रियल लव लेटर टू द कुंग फू फिल्म लीजेंड ट्रिपल एक्स ए क्लीन एंड पुलिस वे नॉट टैक्सिंग एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी fight scenes at the end with the killer and Yen very virtual enjoy very nice movie the actor put genius effect the action are too high quality the movie is better than Marvel Pixar big empowerment after the last Donnie Yen movie Iceman was one of the worst Donnie Yen movie I like this movie because the movie make me very exit and I like the most actor and cast of this film Donnie Yen never let is as down intensity material art sequence amazing to watch as well a good movie action thumbs up for Donnie Yen I am is a big fan best material arts movie I have seen Silence IP Man 1-4 good movie but stop fighting on the road already is announced to watch with all huge truck running you over good movie and it is action film you can feel and enjoy it good movie to watch good action with Donnie Yen good actor nice story best fight scenes always some action best action movie every I seen love it worst better best material arts movie I every watch I huge it good hug fan of kung fu great planning and karate material arts of this movie very Donnie Yen always of this four star action director in credit Pritik
कूल ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रियल्स द एंड स्टार्ट इज रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन यस फाइनल डेस्टिनेशन लुक फॉर इट इट इज स्टिल बेटर दैन ऑल ऑफ द मूवी इज रेदर दैन ओ फ्रेंचिस अमेरिकन सिनेमा बेस्ट अटैम्प्ट एन एक्टिंग फाइटर फिल्म ईमो द वॉरियर्स दिस इज वर्थ वॉचिंग जस्ट नोट अप टू वॉच मच बेटर दैन लाइक ओ प्लेस अ पॉइंट पर्सनल फेवरेट राइजिंग फायर रिप बैनी चो स्पेशल आई डी एंड काउंटलेस अदर ग्रेट डोनी एन कोंग फू ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्टिंग सिक्वेंसी बट ऑफ द क्वालिटी आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड थिंक अबाउट एंड कुंग फू किलर इज असेंबली अबाउट द क्यूट ऑफ द टू मैन टू द बेस्ट फाइटर अलाइव द विलन इज वेरी ओवर आर्ट देर बेस्ट द एक्शन इज प्रीति एक्सीलेंट ऑफरिंग मैनी मेमोरेबल फाइट सीन्स पर्टिकुलर द सिनेमैटिक फाइट सीन्स बिटवीन हाउ एंड द विलन ऑफ द मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द पुलिस फोर्स गेट इम्प्रोवाइजेशन आफ्टर किलिंग ए मैन बाई एक्सीडेंट बट वैन वैक्सन किलर स्टार्ट फॉर टारगेट मेटेरियल आर्ट्स आफ्टर ए थ्रिलियर स्टेक आउट इन द वाटर वेज ऑफ लन टू पीवेर पीपुल ऑलमोस्ट कैच कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंग इट इज पीती दैन दिस इज अनबीअवेलेबल ब्लैंड फिल्म इज द स्टाइल एंड स्टोरी डेस्पाइट ए फ्यू गुड स्टेज पार्ट सिक्वेंसी बाई आरोन हिल्स फुल रिव्यू इट इज जस्ट एन आउट एंड आउट मेटेरियल आर्ट्स मूवी विथ एनअप ऑफ ए प्लॉट टू गिव मीनिंग टू द फाइट एज अपोजिशन टू जिलेंस ओ वेरी पुअर एंड मेटेरियल आर्ट्स एंड एंटरटेनिंग कोंग होंग कोंग एक्शन विथ ए लॉयर विद एन स्टोरी लाइन एंड सम लोल स्कूल सेट पीस डोनी एन एंड वांग बियोंग इम्प्रेसिव विथ इट इज द 10th थ्रिलियर मिनट ऑफ एड टू हैंड कॉम्बैक्ट ग्रेपलिंग एंड वेपन्स बैम्बो स्टिक दिस इज एंड डाउन ऑफ दिस गुड ए मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्किंग एट ए पुलिस Academy gets impressive after killing a man by accident, but when Vixen killer start target while Blood Moon was a simple kung fu flick with no higher ammunition. Kung Fu Jungle take the same idea and tried up this good thick every scene is excellent turn in the pattern chain super works and good 2011 material arts is predated Donnie Yen career had scene of underwhelming with fans on Rotten Tomato the film is at 71% score based on 70 reviews with an average rating of good Donnie Yen of Kung Fu Killer rated it IMDb based cues and I have been a material arts fan my entire life but Donnie Yen always delivery amazing fight scenes is great director can be this highly recommended the cinematography is more traditional and place point of this movie review for this movie साल 2014 में रिलीज हुई कुंग फू किलर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डोनी येन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था कुंग फू किलर मूवी था, जो साल 2014 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि कुंग फू किलर मूवी जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइस के ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2014 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb
भी 10 में से 6.4 है और इस रोटन टोमेटो 75% है और इस मैटर्सर की 66% है और इस कुंगफू जंगल मूवी की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को हांगकांग के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टेडी चैन थे और यह मूवी चाइनीज कैंटोनीज मैंडरिन में लैंग्वेज में रिलीज की गई और इस मूवी के स्टोरी बाई टेडी चैन लॉन्ग होंग हैं और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट बाई एम्पियर मोशन पिक्चर हैं और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ था। और अब बात करते हैं कुंग फू जंगल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डोनी येन इज ऑलवेज ग्रेट सो 4 स्टार अलोंग फॉर हिम फॉर ऑफिशियल एक्शन डायरेक्टर इज क्रेडिट ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रेल्स द स्टार ऑफ रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन एंड गुड थिंक अबाउट स्टील बेटर देन एंड गुड अमेरिकन सिनेमा अटेम्प्ट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्शन सिक्वेंसी बट नोट ऑफ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ हुरी ATD फियरलेस ट्रू लीजेंट द रिबल सीरीज ऑन द वर्थ ऑफ वियजरा ऑल ओवर आल्सो होल नेस्टली फॉरबिडन किंगडम ऑल द सन विंगकोंग फिल्म एंड एक्सप्रेशन जेट ली स्टार्ट लाइक वन ऑफ द डोनी येन स्टार्टर लाइक SPL एंड लुक्सियम कैन बीट दिस एंड डाउन ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वालिटी हाउ एवर फॉर द हार्ड कोर कुंग फू अडेक्ट मी इंक्लूड दिस वन इज डेफिनेटली ए गुड वॉच इवन वर्थ बाइंग ए DVD ऑल इन ऑल रिकमेंडेड एक्शन सिक्वेंसी आर एज यू वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मूवी विथ डोनी येन वेरी गुड इज डीड द ग्रिप ए आई हैव टू दैट द स्टोरी लाइन इज प्रीटी वीक आई फाउंड इट हार्ड टू ग्रैप व्हाट वाज स्टोरी वाज एक्चुअली अबाउट वाज इज द डिफॉर्मेड लैग विज स्ट्रगल टू ओवरकम इज डिसबिलिटी और इज दैट वाइफ एंड हार्ड कैंसर मे बी इज गुड ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश सब टेक्स्ट गुड मूवी इधर वे होप दिस आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी एंड बेस्ट मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट बेस्ट एक्शन सीन्स आई एम ड्यू हार्ड फैन ऑफ डोनी येन द सुपर हीरो ही इज ए सो गुड इज एक्टिंग एज वेल एज इज स्टैंड अपियर क्लोज टू रियलिटी दिस मूवी इज अनडाउटफुल अनोदर फीदर इज द ग्लोरीफाइल्ड कैप एज मेरिटेरियल आर्ट्स फिल्म गो दिस वन इज द अप देर विथ एंट्री द ड्रैगन डोनी येन is outstanding and he is a distant story to great acting good character love this movie Hornbill स्टोरी लाइन एंड सेटिंग वेस्टेड एंड 100 मिनट इज माई लाइफ एवरी थिंग इज नॉन सेंस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस दिस एंड स्टेप थैंक यू गुड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स एंड जस्ट वेस्टेड टाइम नो मनी फिनोमिनल मूवी वर्स्ट एंड बोर्डम नॉन सेंस स्टोरी रियल आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ ए मूवी नो एक्चुअली प्लॉट नो आइडिया नथिंग टू फॉलो इवन पार्ट सीन्स आर मोस्टली nothing to wait for and I like Asian action movie for Disney honor and material art cinematography here is about the latter was not really impressive overall cute a duel of grey movie best Chinese film I ever watch best action best acting not a second the screenplay feel you boring you have to watch it the story of kung fu killer who is other number one people fighter boxer kick fighting स्पेशलिस्ट मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन ही इज नेल्ड टू एक्सीडेंटली किलिंग ए मैन व्हेन ए फ्यू कुंग फू एक्सपर्ट आर किल्ड इज ओपर टू हेल्प द कॉप्स इज रिटर्न फॉर दिस फ्रीडम बट इज डिप्रेशन सोक्स द कॉप्स एंड एब्सोल्युटली ब्रेकटेकिंग आई हैड टू वॉच द पोर्ट शो डाउन अगेन एंड अगेन ए रियल लव लेटर टू द कुंग फू फिल्म लीजेंड XXX ए क्लीन एंड पुलिस वे नॉट टैक्सिंग एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी fight scenes at the end with the killer and Yen very virtual enjoy very nice movie the actor put genius effect the action are too high quality the movie is better than Marvel Pixar big empowerment after the last Donnie Yen movie Iceman was one of the worst Donnie Yen movie I like this movie because the movie make me very excited and I like the most actor and cast of this film Donnie
एन नेवर लेट इज एज डाउन इंटेंसिटी मेटेरियल आर्ट सिक्वेंसी अमेजिंग टू वॉच एज वेल ए गुड मूवी एक्शन थम्स अप फॉर डोनी एन आई एम इज बिग फैन बेस्ट मेटेरियल आर्ट्स मूवी आई हैव सीन साइलेंस आई पी मैन वन से फोर गुड मूवी बट स्टॉप फाइटिंग ऑन द रोड ऑलरेडी इज अनाउंस टू वॉच विथ ऑल ड्यूज ट्रक रनिंग यू ओवर गुड मूवी एंड इट इज एक्शन फिल्म यू कैन फील एंड एंजॉय इट गुड मूवी टू वॉच गुड एक्शन विथ डोनी एन गुड एक्टर नाइस स्टोरी बेस्ट फाइट सीन्स ऑलवेज सम एक्शन बेस्ट एक्शन मूवी एवरी आई सीन लव इट वर्स्ट बेटर बेस्ट मेटेरियल आर्ट्स मूवी आई एवरी वॉच आई हुज इट गुड हुग फैन ऑफ कुंग फू ग्रेट प्लानिंग एंड कराटे मेटेरियल आर्ट्स ऑफ दिस मूवी वेरी डोनी एन ऑलवेज ऑफ दिस फोर स्टार एक्शन डायरेक्टर इन क्रेडिट प्रेतिकूल ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रॉल्स द एंड स्टार्ट इज रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन यस फाइनल डेस्टिनेशन लुक फॉर इट इट इज स्टिल बेटर दैन ऑल ऑफ द मूवी इज रेदर दैन ऑफ फ्रेंचिस अमेरिकन सिनेमा बेस्ट अटैम्प्ट एन एक्टिंग फाइटर फिल्म ईमो द वॉरियर्स दिस इज वर्थ वॉचिंग जस्ट नॉट अप टू वॉच मच बेटर दैन लाइक ऑफ प्लेस अपॉइंट पर्सनल फेवरेट राइजिंग फायर रिप बैनी चो स्पेशल आई डी एंड काउंटलेस अदर ग्रेट डोनी एन कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्टिंग सिक्वेंसी बट ऑफ द क्वालिटी आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड थिंक अबाउट एंड कुंग फू किलर इज असेंबली अबाउट द क्यूट ऑफ द टू मैन टू द बेस्ट फाइटर अलाइव द विलन इज वेरी ओवर आर्ट देर बेस्ट द एक्शन इज प्रीति एक्सीलेंट ऑफरिंग मैनी मेमोरेबल फाइट सीन्स पर्टिकुलर द सिनेमैटिक फाइट सीन्स बिटवीन हाउ एंड द विलन ऑफ द मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द पुलिस फोर्स गेट इम्प्रोवाइजेशन आफ्टर किलिंग ए मैन बाई एक्सीडेंट बट वैन वैक्सन किलर स्टार्ट फॉर टारगेट मेटेरियल आर्ट्स आफ्टर ए थ्रिलियर इज टेक आउट इन द वाटर वेज ऑफ लन टू पीवेर पीपुल ऑलमोस्ट कैच कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंग इट इज पीती दैन दिस इज अनबीअवेलेबल ब्लैंड फिल्म इज द स्टाइल एंड स्टोरी डेस्पाइट ए फ्यू गुड स्टेज फाइट सिक्वेंसी बाई आरोन हिल्स फुल रिव्यू इट इज जस्ट एन आउट एंड आउट मेटेरियल आर्ट्स मूवी विथ एन अप ऑफ ए प्लॉट टू गिव मीनिंग टू द फाइट एज अपोजिशन टू जिलेंस ओ वेरी पुअर एंड मेटेरियल आर्ट्स एंड एंटरटेनिंग हॉन्ग कॉन्ग एक्शन विथ ए लॉयर विद एन स्टोरी लाइन एंड सम लोल स्कूल सेट पीस डोनी एन एंड वांग बियोंग इम्प्रेसिव विथ इट इज द 10th थ्रिलियर मिनट ऑफ एड टू हैंड कॉम्बैक्ट ग्रेपलिंग एंड वेपन्स बैम्बो स्टिक दिस इज एंड डाउन ऑफ दिस गुड ए मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्किंग एट ए पुलिस Academy gets impressive after killing a man by accident but when vixen killer start target while blood moon was a simple kung fu flick with no higher ammunition kung fu jungle take the same idea and tried up this good thick every scene is excellent turn in the patter chain super works and good 2011 material arts is predated donian career had seen up underwhelming with fans on Rotten Tomato the film is at 71% score based on 70 review with an average rating of good Donnie Yen of Kung Fu Killer rated it I am based cues and I have been a material arts fan my entry life but Donnie Yen always delivery amazing fight scenes is great director can be this highly recommended the cinematography is more traditional and place point of this movie review for this movie साल 2014 में रिलीज हुई कुंग फू किलर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डोनी येन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था कुंग फू किलर मूवी था, जो साल 2014 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि कुंग फू किलर मूवी जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो
जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद, जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2014 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है, और इस रोटन टोमेटो 75% है, और इस मैटर्सर की 66% है, और इस कुंग फू जंगल मूवी की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को हांगकॉन्ग के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर टेडी चैन थे, और यह मूवी चाइनीज कैंटोनिस मैंडरिन में लैंग्वेज में रिलीज की गई, और इस मूवी के स्टोरी बाई टेडी चैन लॉन्ग होंग हैं, और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट बाई एम्पियर मोशन पिक्चर हैं। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ था। और अब बात करते हैं कुंग फू जंगल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डोनी येन इज ऑलवेज ग्रेट सो 4 स्टार अलोंग फॉर हिम फॉर ऑफिशियल एक्शन डायरेक्टर इज क्रेडिट ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रेल्स द स्टार ऑफ रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन एंड गुड थिंक अबाउट स्टील बेटर देन एंड गुड अमेरिकन सिनेमा अटैम्प्ट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्शन सिक्वेंसी बट नोट ऑफ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ फूरी ATD फियरलेस टू लीजेंट द रिबल सीरीज ऑन द वर्थ ऑफ वियजरा ऑल ओवर आल्सो होल नेस्टली फॉरबिडन किंगडम ऑल द सन विंगकोंग फिल्म एंड एक्सप्रेशन जेट ली स्टार्ट लाइक वन ऑफ द डोनी येन स्टार्टर लाइक SPL एंड लुक्सिया कैन बीट दिस एंड डाउन ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वालिटी हाउ एवर फॉर द हार्ड कोर कुंग फू अडेक्ट मी इंक्लूड दिस वन इज डेफिनेटली ए गुड वॉच इवन वर्थ बाइंग ए DVD ऑल इन ऑल रिकमांडेड एक्शन सिक्वेंसी आर एज यू वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मूवी विथ डोनी येन वेरी गुड इज डीड द ग्रिप ए आई हैव टू दैट द स्टोरी लाइन इज प्रीति वीक आई फाउंड इट हार्ड टू ग्रैप वाट वाज स्टोरी वाज एक्चुअली अबाउट वाज इज द डिफॉर्मेड लैग विज स्ट्रगल टू ओवरकम इज डिसबिलिटी और इज दैट वाइप एंड हार्ड कैंसर मे बी इज गुड ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश सब टेक्स्ट गुड मूवी इधर वे Hope this I have everything about very and best movie and good thing about very intelligent best action since I am due hard fan of Donnie Yen the superhero. He is a so good is acting as well as his stunt appear close to reality. This movie is undoubtful another feather is the glorified cap as martial arts film go. This one is the up there with entry the dragon Donnie Yen. Is outstanding and he is a distant story to great acting good character love this movie Hornbill स्टोरी लाइन एंड सेटिंग वेस्टेड एंड 100 मिनट इज माई लाइफ एवरी थिंग इज नॉन सेंस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस दिस एंड स्टेप थैंक यू गुड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स एंड जस्ट वेस्टेड टाइम नो मनी फिनोमिनल मूवी वर्स्ट एंड बोर्डम नॉन सेंस स्टोरी रियल आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ ए मूवी नो एक्चुअली प्लॉट नो आइडिया नथिंग टू फॉलो इवन पार्ट सीन्स आर मोस्टली nothing to wait for and I like Asian action movie for Disney honor and material art cinematography is about the latter was not really impressive overall cute a duel of grey movie best Chinese film I ever watch best action best acting not a second the screenplay feel you boring you have to watch it the story of kung fu killer who is other number one people fighter boxer kick fighting
ड्राइविंग स्पेशलिस्ट मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन ही इज नेल्ड टू एक्सीडेंटली किलिंग ए मैन व्हेन ए फ्यू कुंग फू एक्सपर्ट आर किल्ड इज ऑफर टू हेल्प द कॉप्स इज रिटर्न फॉर दिस फ्रीडम बट इज डिप्रेशन सोक्स द कॉप्स एंड एब्सोल्युटली ब्रेकटेकिंग आई हैड टू वॉच द पोर्ट शो डाउन अगेन एंड अगेन ए रियल लव लेटर टू द कुंग फू फिल्म लीजेंड ट्रिपल एक्स ए क्लीन एंड पुलिस वे नॉट टैक्सिंग एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फाइट सीन्स एट द एंड विथ द किलर एंड यन वेरी वर्चुअल एंजॉय वेरी नाइस मूवी द एक्टर पुट जीनियस इफेक्ट द एक्शन आर टू हाई क्वालिटी द मूवी इज बेटर दैन मार्वल पिक्सर बिग इनपावरमेंट आफ्टर द लास्ट डोनी यन मूवी आइसमैन आइसमैन वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डोनी यन मूवी आई लाइक दिस मूवी बिकॉज द मूवी मेक मी वेरी एग्जिट एंड आई लाइक द मोस्ट एक्टर एंड कास्ट ऑफ दिस फिल्म डोनी यन नेवर लेट इज एज डाउन इंटेंसिटी मेटेरियल आर्ट सिक्वेंसी अमेजिंग टू वॉच एज वेल ए गुड मूवी एक्शन थम्स अप फॉर डोनी यन आई एम इज बिग फैन बेस्ट मेटेरियल आर्ट्स मूवी आई हैव सीन साइलेंस आई पी मैन वन से फोर गुड मूवी बट स्टॉप फाइटिंग ऑन द रोड ऑलरेडी इज अनाउंस टू वॉच विथ ऑल ड्यूज ट्रक रनिंग यू ओवर गुड मूवी एंड इट इज एक्शन फिल्म यू कैन फील एंड एंजॉय इट गुड मूवी टू वॉच गुड एक्शन विथ डोनी यन गुड एक्टर नाइस स्टोरी बेस्ट फाइट सीन्स ऑलवेज सम एक्शन बेस्ट एक्शन मूवी एवरी आई सीन आई लव इट वर्स्ट बेटर बेस्ट मेटेरियल आर्ट्स मूवी आई एवरी वॉच आई हुज इट गुड हुग फैन ऑफ कुंग फू ग्रेट प्लानिंग एंड कराटे मेटेरियल आर्ट्स ऑफ दिस मूवी वेरी डोनी यन ऑलवेज ऑफ दिस फोर स्टार एक्शन डायरेक्टर इन क्रेडिट प्रीति कूल ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रियल्स द एंड स्टार्ट इज रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन यस फाइनल डेस्टिनेशन लुक फॉर इट इट इज स्टिल बेटर दैन ऑल ऑफ द मूवी इज रेदर दैन ओ फ्रेंचिस अमेरिकन सिनेमा बेस्ट अटैम्प्ट एन एक्टिंग फाइटर फिल्म ईमो द वॉरियर्स दिस इज वर्थ वॉचिंग जस्ट नॉट अप टू वॉच मच बेटर दैन लाइक ओ प्लेस अ पॉइंट पर्सनल फेवरेट राइजिंग फायर रिप बैनी चो स्पेशल आई डी एंड काउंटलेस अदर ग्रेट डोनी यन कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्टिंग सिक्वेंसी बट ऑफ द क्वालिटी आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड थिंक अबाउट एंड कुंग फू किलर इज असेंबली अबाउट द क्यूट ऑफ द टू मैन टू द बेस्ट फाइटर अलाइव द विलन इज वेरी ओवर आर्ट देर बेस्ट द एक्शन इज प्रीति एक्सीलेंट ऑफरिंग मैनी मेमोरेबल फाइट सीन्स पर्टिकुलर द सिनेमैटिक फाइट सीन्स बिटवीन हाउ एंड द विलन ऑफ द मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द पुलिस फोर्स गेट इम्प्रोवाइजेशन आफ्टर किलिंग ए मैन बाई एक्सीडेंट बट वैन वैक्सन किलर स्टार्ट फॉर टारगेट मेटेरियल आर्ट्स आफ्टर ए थ्रिलियर स्टेक आउट इन द वाटर वेज ऑफ लनतू पीवेर पीपुल ऑलमोस्ट कैच कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंग इट इज पीती दैन दिस इज अनबीअवेलेबल ब्लैंड फिल्म इज द स्टाइल एंड स्टोरी डेस्पाइट ए फ्यू गुड स्टेज पार्ट सिक्वेंसी बाई आरोन हिल्स फुल रिव्यू इट इज जस्ट एन आउट एंड आउट मेटेरियल आर्ट्स मूवी विथ एनअप ऑफ ए प्लॉट टू गिव मीनिंग टू द फाइट एज अपोजिशन टू जिलेंस ओ वेरी पुअर एंड मेटेरियल आर्ट्स एंड एंटरटेनिंग कोंग होंग कोंग एक्शन विथ ए लॉयर विद एन स्टोरी लाइन एंड सम लोल स्कूल सेट पीस डोनी यन एंड वांग बियोंग इम्प्रेसिव विथ इट इज द 10th थ्रिलियर मिनट ऑफ एड टू हैंड कॉम्बैक्ट ग्रेपलिंग एंड वेपन्स बैम्बो स्टिक दिस इज एंड डाउन ऑफ दिस गुड ए मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्किंग एट ए पुलिस Academy gets impressive after killing a man by accident but when vixen killer start target while blood moon was a simple kung fu flick with no higher ammunition kung fu jungle take the same idea and tried off this good thick every scene is excellent turn in the pattern chain super works and good 2011 material arts is predated Donnie Yen career had seen of underwhelming with pan
ऑडियंसिम ऑन रोटेटो टोमेटो द फिल्म इज एट 71% स्कोर बेस्ड ऑन 70 रिव्यू विथ एन एवरेज रेटिंग ऑफ गुड डोनियन ऑफ कुंग फू किलर रेटेड इट आई एम बेस्ड क्यूज एंड आई हैव बीन ए मेटेरियल आर्ट्स फैन माई एंट्री लाइफ बट डोनियन ऑलवेज डिलीवरी अमेजिंग फाइट सीन्स इज ग्रेट डायरेक्टर कैन बी दिस आईली रिकमांडेड द सिनेमाट ग्रुप इज मोर ट्रेडिशनल एंड प्लेस पॉइंट ऑफ दिस मूवी रिव्यू फॉर दिस मूवी। साल 2014 में रिलीज हुई कुंग फू किलर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डोनी येन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था कुंग फू किलर मूवी था, जो साल 2014 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि कुंग फू किलर मूवी, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2014 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.4 है और इस रोटन टोमेटो 75% है और इस मेटासर की 66% है और इस कुंग फू जंगल मूवी की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को हांगकांग के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टेडी चैन थे और यह मूवी चाइनीज कैंटोनिस मैंडरिन में लैंग्वेज में रिलीज की गई और इस मूवी के स्टोरी बाई टेडी चैन लॉन्ग होंग हैं और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट बाई एम्पियर मोशन पिक्चर हैं। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ था। और अब बात करते हैं कुंग फू जंगल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डोनी येन इज ऑलवेज ग्रेट सो 4 स्टार अलोंग फॉर हिम फॉर ऑफिशियल एक्शन डायरेक्टर इज क्रेडिट ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रेल्स द स्टार ऑफ रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन एंड गुड थिंक अबाउट स्टील बेटर देन एंड गुड अमेरिकन सिनेमा अटैम्प्ट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्शन सिक्वेंसी बट नॉट ऑफ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ हुरी ATD फियरलेस ट्रू लीजेंट द रिबल सीरीज ऑन द वर्थ ऑफ वियजरा ऑल ओवर आल्सो होल नेस्टली फॉरबिडन किंगडम ऑल द सन विंगकोंग फिल्म एंड एक्सप्रेशन जेट ली स्टार्ट लाइक वन ऑफ द डोनी येन स्टार्टर लाइक SPL एंड लुक्सिया कैन बीट दिस एंड डाउन ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वालिटी हाउ एवर फॉर द हार्ड कोर कुंग फू अडेक्ट मी इंक्लूड दिस वन इज डेफिनेटली ए गुड वॉच इवन वर्थ बाइंग ए DVD ऑल इन ऑल रिकमांडेड एक्शन सिक्वेंसी आर एज यू वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मूवी विथ डोनी येन वेरी गुड इज डीड द ग्रिप ए आई हैव टू दैट द स्टोरी लाइन इज प्रीती वीक आई फाउंड इट हार्ड टू ग्रैप वाट वाज स्टोरी वाज एक्चुअली अबाउट वाज इज द डिफॉर्मेड लैग विज स्ट्रगल टू ओवरकम इज डिसबिलिटी और इज दैट वाइफ एंड हार्ड कैंसर मे बी इज गुड ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश सब टेक्स्ट गुड मूवी इधर वे होप दिस आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी एंड बेस्ट मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट बेस्ट एक्शन सीन्स आई एम ड्यू हार्ड फैन ऑफ डोनी येन द सुपर हीरो ही इज ए सो गुड इज एक्टिंग एज वेल एज इज स्टैंड अपियर क्लोज टू रियलिटी दिस मूवी इज अनडाउटफुल अनोदर फीदर इज द ग्लोरीफाइल्ड कैप एज मेरिटेरियल आर्ट्स फिल्म गो दिस वन इज द अप देर विथ एंट्री द ड्रैगन डोनी येन इज आउटस्टैंडिंग एंड ही इज ए डिस्टेंट स्टोरी टू ग्रेट एक्टिंग गुड करेक्टर लव दिस मूवी हॉरर विलन
स्टोरी लाइन एंड सेटिंग वेस्टेड एंड 100 मिनट इज माई लाइफ एवरीथिंग इज नॉन सेंस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस दिस एंड स्टेप थैंक यू गुड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स एंड जस्ट वेस्टेड टाइम नो मनी फिनोमिनल मूवी वर्स्ट एंड बोर्डम नॉन सेंस स्टोरी रियल आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ ए मूवी नो एक्चुअली प्लॉट नो आइडिया नथिंग टू फॉलो इवन पार्ट सीन्स आर मोस्टली nothing to wait for and I like Asian action movie for Disney honor and material art cinematography is about the latter was not really impressive overall cute a duel of grey movie best Chinese film I ever watch best action best acting not a second the screenplay feel you boring you have to watch it the story of Kung Fu killer who is other number one people fighter boxer kick fighting स्पेशलिस्ट मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन ही इज नेल्ड टू एक्सीडेंटली किलिंग ए मैन व्हेन ए फ्यू कुंग फू एक्सपर्ट आर किल्ड इज ऑफर टू हेल्प द कॉप्स इज रिटर्न फॉर दिस फ्रीडम बट इज डिप्रेशन सोक्स द कॉप्स एंड एब्सोल्युटली ब्रेकटेकिंग आई हैड टू वॉच द पोर्ट शो डाउन अगेन एंड अगेन ए रियल लव लेटर टू द कुंग फू फिल्म लीजेंड ट्रिपल एक्स ए क्लीन एंड पुलिस वे नॉट टैक्सिंग एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी fight scenes at the end with the killer and Yen very virtual enjoy very nice movie the actor put genius effect the action are too high quality the movie is better than Marvel Pixar big empowerment after the last Donnie Yen movie Iceman was one of the worst Donnie Yen movie I like this movie because the movie make me very exit and I like the most actor and cast of this film Donnie Yen never let is as down intensity material art sequence amazing to watch as well a good movie action thumbs up for Donnie Yen I am is a big fan best material arts movie I have seen Silence IP Man 1-4 good movie but stop fighting on the road already is announced to watch with all dues truck running you over good movie and it is action film you can feel and enjoy it good movie to watch good action with Donnie Yen good actor nice story best fight scenes always some action best action movie every I seen I love it worst better best material arts movie I every watch I use it good hug fan of kung fu great planning and karate material arts of this movie very Donnie Yen always of this 4-star action director in credit Pratik cool all through the story goes a little of the rails the end start is resembly something is between lethal weapon and final destination yes final destination look for it is still better than all of the movies rather than of Francis American cinema best attempt and acting fighter film emo the warriors this is worth watching just not up to watch much better than like of place a point personal favorite rising Fire Reap Benny Cho Special ID and countless other great Donnie Yen Kung Fu of this good think about good movie excellent acting sequence but of the quality I have everything about very fantastic and good think about and Kung Fu Killer is assembly about the cute of the two men to the best fighter alive the villain is very over art their quest the action is pretty excellent offering many memorable fight scenes particular the cinematic fight scenes between how and the villain of the material arts instructor from the police force get improvisation after killing a man by accident but when vexen killer start for target material arts after a thriller is take out in the waterways of lantu where people almost catch kung fu of this good thing it is pity then this is unbeable Bland film is the style and story despite a few good stage fight sequence by Aaron Hill's full review it is just an out and out material arts movie with enough of a plot to give meaning to the fight as opposition to Jillian's so very poor and material arts and entertaining Hong Kong action with a lawyer with an storyline and some lol school set piece Donnie Yen and
वांग बियोंग इंप्रेसिव विथ इट इज द 10th रियर मिनट ऑफ एड टू हैंड कॉम्बैक्ट ग्रेपलिंग एंड वेपन्स बैम्बो स्टिक दिस इज एंड डाउन ऑफ दिस गुड ए मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्किंग एट ए पुलिस Academy gets impressive after killing a man by accident, but when Vixen killer start target while Blood Moon was a simple kung fu flick with no higher ammunition. Kung Fu Jungle take the same idea and tried up this good thick every since is excellent turn in the Peter Chan super works and good 2011 material arts spreaded Donnie Yen career had scene of underwhelming with pen Sim on Rotato Tomato. The film is at 71% score based on 70 review with an average rating of good. Donnie Yen of Kung Fu Killer rated it I am based cues and I have been a material arts fan my entry life, but Donnie Yen always delivering amazing fight scenes is great director can be this highly recommended. The cinematography is more traditional and place point of this movie review for this movie. साल 2014 में रिलीज हुई कुंग फू किलर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डोनी येन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था कुंग फू किलर मूवी था, जो साल 2014 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि कुंग फू किलर मूवी जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2014 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.4 है और इस रोटन टोमेटो 75% है और इस मैटर्सर की 66% है और इस कुंग फू जंगल मूवी की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को हांगकांग के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टेडी चैन थे और यह मूवी चाइनीज कैंटोनिस मैंडारिन में लैंग्वेज में रिलीज की गई और इस मूवी के स्टोरी बाई टेडी चैन लॉन्ग होंग हैं और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट बाई एम्पियर मोशन पिक्चर हैं। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ था। और अब बात करते हैं कुंग फू जंगल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डोनी येन इज ऑलवेज ग्रेट सो 4 स्टार अलोंग फॉर हिम फॉर ऑफिशियल एक्शन डायरेक्टर इज क्रेडिट ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रेल्स द स्टार ऑपरेस एमली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन एंड गुड थिंक अबाउट स्टील बेटर देन एंड गुड अमेरिकन सिनेमा अटैम्प्ट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्शन सिक्वेंसी बट नोट ऑफ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ फूरी 80D फियरलेस ट्रू लीजेंट द रिबल सीरीज ऑन द वर्थ ऑफ वेजरा ऑल ओवर आल्सो होल नेस्टली फॉरबिडन किंगडम ऑल द सन विंगकोंग फिल्म एंड एक्सप्रेशन जेट ली स्टार्ट लाइक वन ऑफ द डोनी येन स्टार्टर लाइक SPL एंड लुक्सियम कैन बीट दिस एंड डाउन ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वालिटी हाउ एवर फॉर द हार्ड कोर कुंग फू अडेक्ट मी इंक्लूड दिस वन इज डेफिनेटली ए गुड वॉच इवन वर्थ बाइंग ए DVD ऑल इन ऑल रिकमांडेड एक्शन सिक्वेंसी आर एज यू वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मूवी विथ डोनी येन वेरी गुड इज डीड द ग्रिप ए आई हैव टू दैट द स्टोरी लाइन इज प्रीति वीक
आई फाउंड इट हार्ड टू ग्रैप व्हाट वाज स्टोरी वाज एक्चुअली अबाउट वाज इज द डिफॉर्मेड लेग विज स्ट्रगल टू ओवरकम इज डिसबिलिटी और इज दैट वाइफ एंड हार्ड कैंसर मे बी इज गुड ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश सब टेक्स्ट गुड मूवी इधर वे Hope this I have everything about very and best movie and good thing about very intelligent best action since I am due hard fan of Donnie Yen the superhero he is a so good is acting as well as his stand appear close to reality this movie is undoubtful another feather is the glorified cap as meritorial arts film go this one is the up there with entry the dragon Donnie Yen is outstanding and he is a distant story to great acting good character love this movie Hornbill storyline and setting wasted and 100 minute is my life everything is nonsense and good think about very fantastic I have every scene of this good performance this and step thank you good watch on Netflix and just wasted time no money phenomenal movie worst and boredom nonsense story real I did not think much of a movie no actually plot no idea nothing to follow even part scenes are mostly nothing thing to wait for and I like Asian action movie for Disney honor and material art cinematography is about the latter was not really impressive overall cute a duel of grey movie best Chinese film I ever watch best action best acting not a second the screenplay feel you boring you have to watch it the story of kung fu killer who is other number one people fighter boxer kick fighting is स्पेशलिस्ट मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन ही इज नेलिड टू एक्सीडेंटली किलिंग ए मैन वैन ए फ्यू कुंगफू एक्सपर्ट आर किल्ड इज ओपर टू हेल्प द कॉप्स इज रिटर्न फॉर दिस फ्रीडम बट इज डिप्रेशन सोक्स द कॉप्स एंड एब्सोल्युटली ब्रेक टेकिंग आई हैड टू वॉच द पोर्ट शो डाउन अगेन एंड अगेन ए रियल लव लेटर टू द कुंगफू फिल्म लीजेंड ट्रिपल एक्स ए क्लीन एंड पुलिस वे नॉट टैक्सिंग एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी fight scenes at the end with the killer and Yen very virtual enjoy very nice movie the actor put genius effect the action are too high quality the movie is better than Marvel Pixar big empowerment after the last Donnie Yen movie Iceman was one of the worst Donnie Yen movie I like this movie because the movie make me very excited and I like the most actor and cast of this film Donnie Yen never let is as down intensity material art sequence amazing to watch as well a good movie action thumbs up for Donnie Yen I am is a big fan best material arts movie I have seen Silence IP Man 1-4 good movie but stop fighting on the road already is announced to watch with all those truck running you over good movie and it is action film you can feel and enjoy it good movie to watch good action with Donnie Yen good actor nice story best fight scenes always some action best action movie every I seen love it worst better best material arts movie I every watch I use it good hug pan of kung fu great planning and karate material arts of this movie very Donnie Yen always of this 4-star action director in credit pretty cool all through the story goes a little of the rails the end start is resembly something is between lethal weapon and final destination yes final destination look for it is still better than all of the movie is rather than of Francis American cinema best attempt an acting fighter film emo the warriors this is worth watching just not up to watch much better than like of place a point personal favorite rising fire Rip Benny Cho special ID and countless other great Donnie Yen kung fu of this good think about good movie excellent acting sequence but of the quality I have everything about very fantastic and good think about and kung fu killer is assembly about the cute of the two men to the best fighter alive the villain is very over art their quest the action is pretty excellent offering man
मैनी मेमोरेबल फाइट सीन्स, पर्टिकुलर द सिनेमैटिक फाइट सीन्स बिटवीन हाउ एंड द विलन ऑफ द मटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द पुलिस फोर्स गेट इम्प्रोवाइजेशन आफ्टर किलिंग ए मैन बाई एक्सीडेंट बट वैन वैक्सन किलर स्टार्ट फॉर टारगेट मटेरियल आर्ट्स आफ्टर ए थ्रिलर स्टेक आउट इन द वाटर वेज ऑफ लन टू पीवेर पीपुल ऑलमोस्ट कैच कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंग इट इज पीती दैन दिस इज अनबीअवेलेबल ब्लैंड फिल्म इज द स्टाइल एंड स्टोरी डेस्पाइट ए फ्यू गुड स्टेज पार्ट सिक्वेंस बाई आरोन हिल्स फुल रिव्यू इट इज जस्ट एन आउट एंड आउट मटेरियल आर्ट्स मूवी विथ एनअप ऑफ ए प्लॉट टू गिव मीनिंग टू द फाइट एज अपोजिशन टू जिलेंस ओ वेरी पुअर एंड मटेरियल आर्ट्स एंड एंटरटेनिंग हॉन्ग कॉन्ग एक्शन विथ ए लॉयर विद एन स्टोरी लाइन एंड सम लोल स्कूल सेट पीस डोनी येन एंड वांग बियोंग इंप्रेसिव विथ इट इज द 10th थ्रिलर मिनट ऑफ एड टू हैंड कॉम्बैक्ट ग्रेपलिंग एंड वेपन्स बैम्बो स्टिक दिस इज एंड डाउन ऑफ दिस गुड ए मटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्किंग एट ए पुलिस Academy gets impressive after killing a man by accident, but when Vixen killer start target while Blood Moon was a simple kung fu flick with no higher ammunition. Kung Fu Jungle take the same idea and tried up this good thick every since is excellent turn in the Peter Chan super works and good 2011 material arts is predated Donnie Yen career had seen up underwhelming with fans on Rotten Tomato the film is at 71% score based on 70 review with an average rating of good Donnie Yen of Kung Fu Killer rated it I am based cues and I have been a material arts fan my entry life but Donnie Yen always delivery amazing fight scenes is great director can be this highly recommended the cinematography is more traditional and place point of this movie review for this movie साल 2014 में रिलीज हुई कुंग फू किलर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डोनी येन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था कुंग फू किलर मूवी था, जो साल 2014 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि कुंग फू किलर मूवी जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2014 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.4 है और इस रोटन टोमेटो 75% है और इस मेटासर की 66% है और इस कुंग फू जंगल मूवी की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को हांगकांग के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टेडी चैन थे और यह मूवी चाइनीज कैंटोनिस मैंडरिन में लैंग्वेज में रिलीज की गई और इस मूवी के स्टोरी बाई टेडी चैन लॉन्ग होंग हैं और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट बाई एम्पियर मोशन पिक्चर हैं और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ था। और अब बात करते हैं कुंग फू जंगल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डोनी येन इज ऑलवेज ग्रेट सो 4 स्टार अलोंग फॉर हिम फॉर ऑफिशियल एक्शन डायरेक्टर इज क्रेडिट ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रेल्स द स्टार
ओपरेस एमली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन एंड गुड थिंक अबाउट स्टील बेटर दैन एंड गुड अमेरिकन सिनेमा अटैम्प्ट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्शन सिक्वेंसी बट नोट ऑफ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ फूरी एटीडी फियरलेस टू लीजेंट द रिबल सीरीज ऑन द वर्थ ऑफ वियजरा ऑल ओवर आल्सो होल नेस्टली फॉरबिडन किंगडम ऑल द सन विंगकोंग फिल्म एंड एक्सप्रेशन जेट ली स्टार्ट लाइक वन ऑफ द डोनी एन स्टार्टर लाइक एस पी एल एंड लूक्सिया कैन बीट दिस एंड डाउन ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वालिटी हाउ एवर फॉर द हार्ड कोर कुंग फू अडेक्ट मी इंक्लूड दिस वन इज डेफिनेटली ए गुड वॉच इवन वर्थ बाइंग ए डी वी डी ऑल इन ऑल रिकमांडेड एक्शन सिक्वेंसी आर एज यू वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मूवी विथ डोनी एन वेरी गुड इज डीड द ग्रिप ए आई हैव टू दैट द स्टोरी लाइन इज प्रीति वीक आई फाउंड इट हार्ड टू ग्रैप वाट वाज स्टोरी वाज एक्चुअली अबाउट वाज इज द डिफॉर्मेड लैग विज स्ट्रगल टू ओवरकम इज डिसबिलिटी और इज दैट वाइप एंड हार्ड कैंसर मे बी इज गुड ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश सब टेक्स्ट गुड मूवी इधर वे Hope this I have everything about very and best movie and good thing about very intelligent best action since I am due hard fan of Donnie Yen the superhero he is a so good is acting as well as his stunt appear close to reality this movie is undoubtful another feather is the glorified cap as meritorially arts film go this one is the up there with Entry the Dragon Donnie Yen is outstanding and he is a distant story to great acting good character love this movie horror villain storyline and setting wasted and 100 minute is my life everything is nonsense and good think about very fantastic I have every scene of this good performance this and step thank you good watch on Netflix and just wasted time no money phenomenal movie worst and boredom nonsense story real I did not think much of a movie no actually plot no idea nothing to follow even fight scenes are mostly nothing thing to wait for and I like Asian action movie for Disney honor and material art cinematography is about the latter was not really impressive overall cute a duel of grey movie best Chinese film I every watch best action best acting not a second the screenplay feel you boring you have to watch it the story of Kung Fu killer who is other number one people fighter boxer kick fighting स्पेशलिस्ट मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन ही इज नेल्ड टू एक्सीडेंटली किलिंग ए मैन व्हेन ए फ्यू कुंग फू एक्सपर्ट आर किल्ड इज ऑफर टू हेल्प द कॉप्स इज रिटर्न फॉर दिस फ्रीडम बट इज डिप्रेशन सोक्स द कॉप्स एंड एब्सोल्युटली ब्रेकटेकिंग आई हैड टू वॉच द पोर्ट शो डाउन अगेन एंड अगेन ए रियल लव लेटर टू द कुंग फू फिल्म लीजेंड ट्रिपल एक्स ए क्लीन एंड पुलिस वे नॉट टैक्सिंग एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी fight scenes at the end with the killer and Yen very virtual enjoy very nice movie the actor put genius effect the action are too high quality the movie is better than Marvel Pixar's big empowerment after the last Donnie Yen movie Iceman was one of the worst Donnie Yen movie I like this movie because the movie make me very exit and I like the most actor and cast of this film Donnie Yen never let is as down intensity material art sequence amazing to watch as well a good movie action thumbs up for Donnie Yen I am is a big fan best material arts movie I have seen Silence IP Man 1-4 good movie but stop fighting on the road already is announced to watch with all those truck running you over good movie and it is action film you can feel and enjoy it good movie to watch good action with Donnie Yen good actor nice story best fight scenes always some action best action movie every I seen love it worst better best material arts movie I every watch I use it good hug fan of kung fu great planning and karate material arts of this movie very Donnie Yen always of this four star action director in credit Pritik
कूल ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रियल्स द एंड स्टार्ट इज रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन यस फाइनल डेस्टिनेशन लुक फॉर इट इट इज स्टिल बेटर दैन ऑल ऑफ द मूवी इज रेदर दैन ओ फ्रेंचिस अमेरिकन सिनेमा बेस्ट अटैम्प्ट एन एक्टिंग फाइटर फिल्म ईमो द वॉरियर्स दिस इज वर्थ वॉचिंग जस्ट नोट अप टू वॉच मच बेटर दैन लाइक ओ प्लेस अ पॉइंट पर्सनल फेवरेट राइजिंग फायर रिप बैनी चो स्पेशल आई डी एंड काउंटलेस अदर ग्रेट डोनी एन कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्टिंग सिक्वेंसी बट ऑफ द क्वालिटी आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड थिंक अबाउट एंड कुंग फू किलर इज असेंबली अबाउट द क्यूट ऑफ द टू मैन टू द बेस्ट फाइटर अलाइव द विलन इज वेरी ओवर आर्ट देर बेस्ट द एक्शन इज प्रीति एक्सीलेंट ऑफरिंग मैनी मेमोरेबल फाइट सीन्स पर्टिकुलर द सिनेमैटिक फाइट सीन्स बिटवीन हाउ एंड द विलन ऑफ द मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द पुलिस फोर्स गेट इम्प्रोवाइजेशन आफ्टर किलिंग ए मैन बाई एक्सीडेंट बट वैन वैक्सन किलर स्टार्ट फॉर टारगेट मेटेरियल आर्ट्स आफ्टर ए थ्रिलियर स्टेक आउट इन द वाटर वेज ऑफ लन टू पीवेर पीपुल ऑलमोस्ट कैच कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंग इट इज पीती दैन दिस इज अनबीअवलेबल ब्लैंड फिल्म इज द स्टाइल एंड स्टोरी डेस्पाइट ए फ्यू गुड स्टेज पार्ट सिक्वेंसी बाई आरोन हिल्स फुल रिव्यू इट इज जस्ट एन आउट एंड आउट मेटेरियल आर्ट्स मूवी विथ एनअप ऑफ ए प्लॉट टू गिव मीनिंग टू द फाइट एज अपोजिशन टू जिलेंस ओ वेरी पुअर एंड मेटेरियल आर्ट्स एंड एंटरटेनिंग कोंग होंग कोंग एक्शन विथ ए लॉयर विद एन स्टोरी लाइन एंड सम लोल स्कूल सेट पीस डोनी एन एंड वांग बियोंग इम्प्रेसिव विथ इट इज द 10th थ्रिलियर मिनट ऑफ एड टू हैंड कॉम्बैक्ट ग्रेपलिंग एंड वेपन्स बैम्बो स्टिक दिस इज एंड डाउन ऑफ दिस गुड ए मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्किंग एट ए पुलिस Academy gets impressive after killing a man by accident, but when Vixen killer start target while Blood Moon was a simple kung fu flick with no higher ammunition. Kung Fu Jungle take the same idea and tried up this good thick every scene is excellent turn in the pattern chain super works and good 2011 material arts is predated Donnie Yen career had scene of underwhelming with fans on Rotten Tomato the film is at 71% score based on 70 review with an average rating of good Donnie Yen of Kung Fu Killer rated it IM based cues and I have been a material arts fan my entry life but Donnie Yen always delivery amazing fight scenes is great director can be this highly recommended the cinematography is more traditional and place point of this movie review for this movie साल 2014 में रिलीज हुई कुंग फू किलर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डोनी येन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था कुंग फू किलर मूवी था, जो साल 2014 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि कुंग फू किलर मूवी जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2014 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb
की 10 में से 6.4 है और इस रोटन टोमेटो 75% है और इस मैटर्सर की 66% है और इस कुंग फू जंगल मूवी की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को हांगकांग के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टेडी चैन थे और यह मूवी चाइनीज कैंटोनीज मैंडरिन में लैंग्वेज में रिलीज की गई और इस मूवी के स्टोरी बाई टेडी चैन लॉन्ग होंग हैं और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर बाई एम्पियर मोशन पिक्चर हैं और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ था। और अब बात करते हैं कुंग फू जंगल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डोनी येन इज ऑलवेज ग्रेट सो 4 स्टार अलोंग फॉर हिम फॉर ऑफिशियल एक्शन डायरेक्टर इज क्रेडिट ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रेल्स द स्टार ऑफ रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन एंड गुड थिंक अबाउट स्टील बेटर देन एंड गुड अमेरिकन सिनेमा अटैम्प्ट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्शन सिक्वेंसी बट नोट ऑफ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ हुरी एटीडी फियरलेस टू लीजेंट द रिबल सीरीज ऑन द वर्थ ऑफ वियजरा ऑल ओवर आल्सो होल नेस्टली फॉरबिडन किंगडम ऑल द सन विंगकोंग फिल्म एंड एक्सप्रेशन जेट ली स्टार्ट लाइक वन ऑफ द डोनी येन स्टार्टर लाइक एसपीएल एंड लुक्सिया कैन बीट दिस एंड डाउन ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वालिटी हाउ एवर फॉर द हार्ड कोर कुंग फू एडेक्ट मी इंक्लूड दिस वन इज डेफिनेटली ए गुड वॉच इवन वर्थ बाइंग ए डीवीडी ऑल इन ऑल रिकमेंडेड एक्शन सिक्वेंसी आर एज यू वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मूवी विथ डोनी येन वेरी गुड इज डीड द ग्रिप ए आई हैव टू दैट द स्टोरी लाइन इज प्रीति वीक आई फाउंड इट हार्ड टू ग्रैप वाट वाज स्टोरी वाज एक्चुअली अबाउट वाज इज द डिफॉर्मेड लैग विज स्ट्रगल टू ओवरकम इज डिसबिलिटी और इज दैट वाइप एंड हार्ड कैंसर मे बी इज गुड ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश सब टेक्स्ट गुड मूवी इधर वे Hope this I have everything about very and best movie and good thing about very intelligent best action since I am due hard fan of Donnie Yen the superhero he is a so good is acting as well as his stand appear close to reality this movie is undoubtful another feather is the glorified cap as meritorially arts film go this one is the up there with entry the dragon Donnie Yen is outstanding and he is a distant story to great acting good character love this movie Hornbill storyline and setting wasted and 100 minute is my life everything is nonsense and good think about very fantastic I have every scene of this good performance this and step thank you good watch on Netflix and just wasted time no money phenomenal movie worst and boredom nonsense story real I did not think much of a movie no actually plot no idea nothing to follow even fight scenes are mostly nothing to wait for and I like Asian action movie for Disney honor and material art cinematography is about the latter was not really impressive overall cute a duel of grey movie best Chinese film I ever watch best action best acting not a second the screenplay feel you boring you have to watch it the story of Kung Fu killer who is other number one people fighter boxer kick fighting is स्पेशलिस्ट मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन ही इज नेल्ड दो एक्सीडेंटली किलिंग ए मैन व्हेन ए फ्यू कुंग फू एक्सपर्ट आर किल्ड इज ओपर टू हेल्प द कॉप्स इज रिटर्न फॉर दिस फ्रीडम बट इज डिप्रेशन सोक्स द कॉप्स एंड एब्सोल्युटली ब्रेक टेकिंग आई हैड टू वॉच द पोर्ट शो डाउन अगेन एंड अगेन ए रियल लव लेटर टू द कुंग फू फिल्म लीजेंड ट्रिपल एक्स ए क्लीन एंड पुलिस वे नॉट टैक्सिंग एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी fight scenes at the end with the killer and Yen very virtual enjoy very nice movie the actor put genius effect the action are too high quality the movie is better than Marvel Pixar's big empowerment after the last Donnie Yen movie Iceman was one of the worst Donnie Yen movie I like this movie because the movie make me very excited and I like the most actor and cast of this film Donnie
यन नेवर लेट इज एज डाउन इंटेंसिटी मेटेरियल आर्ट सिक्वेंसी अमेजिंग टू वॉच एज वेल ए गुड मूवी एक्शन थम्स अप फॉर डोनी यन आई एम इज बिग फैन बेस्ट मेटेरियल आर्ट्स मूवी आई हैव सीन साइलेंस आई पी मैन वन से फोर गुड मूवी बट स्टॉप फाइटिंग ऑन द रोड ऑलरेडी इज अनाउंस्ड टू वॉच विथ ऑल ड्यूज ट्रक रनिंग यू ओवर गुड मूवी एंड इट इज एक्शन फिल्म यू कैन फील एंड एंजॉय इट गुड मूवी टू वॉच गुड एक्शन विथ डोनी यन गुड एक्टर नाइस स्टोरी बेस्ट फाइट सीन्स ऑलवेज सम एक्शन बेस्ट एक्शन मूवी एवरी आई सीन ऑल लव इट वर्स्ट बेटर बेस्ट मेटेरियल आर्ट्स मूवी आई एवरी वॉच आई हुज इट गुड हुग पैन ऑफ कुंग फू ग्रेट प्लानिंग एंड कराटे मेटेरियल आर्ट्स ऑफ दिस मूवी वेरी डोनी यन ऑलवेज ऑफ दिस फोर स्टार एक्शन डायरेक्टर इन क्रेडिट प्रीति कूल ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रियल्स द एंड स्टार्ट इज रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन यस फाइनल डेस्टिनेशन लुक फॉर इट इट इज स्टिल बेटर दैन ऑल ऑफ द मूवी इज रेदर दैन ओ फ्रेंचिस अमेरिकन सिनेमा बेस्ट अटैम्प्ट एन एक्टिंग फाइटर फिल्म ईमो द वॉरियर्स दिस इज वर्थ वॉचिंग जस्ट नोट अप टू वॉच मच बेटर दैन लाइक ओ प्लेस अ पॉइंट पर्सनल फेवरेट राइजिंग फायर रिप बैनी चो स्पेशल आई डी एंड काउंटलेस अदर ग्रेट डोनी यन कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्टिंग सिक्वेंसी बट ऑफ द क्वालिटी आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड थिंक अबाउट एंड कुंग फू किलर इज असेंबली अबाउट द क्यूट ऑफ द टू मैन टू द बेस्ट फाइटर अलाइव द विलन इज वेरी ओवर आर्ट देयर बेस्ट द एक्शन इज प्रीति एक्सीलेंट ऑफरिंग मैनी मेमोरेबल फाइट सीन्स पर्टिकुलर द सिनेमैटिक फाइट सीन्स बिटवीन हाउ एंड द विलन ऑफ द मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द पुलिस फोर्स गेट इम्प्रोवाइजेशन आफ्टर किलिंग ए मैन बाई एक्सीडेंट बट वैन वैक्सन किलर स्टार्ट फॉर टारगेट मेटेरियल आर्ट्स आफ्टर ए थ्रिलियर स्टेक आउट इन द वाटर वेज ऑफ लनतू पीवेर पीपुल ऑलमोस्ट कैच कुंगफू ऑफ दिस गुड थिंग इट इज पीती दैन दिस इज अनबीअवेलेबल ब्लैंड फिल्म इज द स्टाइल एंड स्टोरी डेस्पाइट ए फ्यू गुड स्टेज पार्ट सिक्वेंसी बाई आरोन हिल्स फुल रिव्यू इट इज जस्ट एन आउट एंड आउट मेटेरियल आर्ट्स मूवी विथ एन अप ऑफ ए प्लॉट टू गिव मीनिंग टू द फाइट एज अपोजिशन टू जिलेंस ओ वेरी पुअर एंड मेटेरियल आर्ट्स एंड एंटरटेनिंग कोंग होंग कोंग एक्शन विथ ए लॉयर विद एन स्टोरी लाइन एंड सम लोल स्कूल सेट पीस डोनी यन एंड वांग बियोंग इंप्रेसिव विथ इट इज द 10th थ्रिलियर मिनट ऑफ एड टू हैंड कॉम्बैक्ट ग्रेपलिंग एंड वेपन्स बैम्बो स्टिक दिस इज एंड डाउन ऑफ दिस गुड ए मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्किंग एट ए पुलिस Academy gets impressive after killing a man by accident, but when Vixen killer start target while Blood Moon was a simple kung fu flick with no higher ammunition, kung fu jungle take the same idea and tried up this good thick every scene is excellent turn in the pattern chain super works and good 2011 material arts is predid Donnie Yen career had scene of underwhelming with fans on Rotten Tomato the film is at 71% score based on 70 reviews with an average rating of good Donnie Yen of Kung Fu Killer rated it IMDb based cues and I have been a material arts fan my entry life but Donnie Yen always delivery amazing fight scenes is great director can be this highly recommended the cinematography is more traditional and place point of this movie review for this movie साल 2014 में रिलीज हुई कुंग फू किलर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डोनी यन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था कुंग फू किलर मूवी था, जो साल 2014 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि कुंग फू किलर मूवी, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो
जाइस के ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2014 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है और इस रोटन टोमेटो 75% है और इस मेटासर की 66% है और इस कुंग फू जंगल मूवी की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को हांगकांग के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टेडी चैन थे और यह मूवी चाइनीज कैंटोनिस मैंडरिन में लैंग्वेज में रिलीज की गई और इस मूवी के स्टोरी बाई टेडी चैन लॉन्ग होंग हैं और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट बाई एम्पियर मोशन पिक्चर हैं। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ था। और अब बात करते हैं कुंग फू जंगल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डोनी येन इज ऑलवेज ग्रेट सो 4 स्टार अलोंग फॉर हिम फॉर ऑफिशियल एक्शन डायरेक्टर इज क्रेडिट ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रेल्स द स्टार ऑफ रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन एंड गुड थिंक अबाउट स्टील बेटर देन एंड गुड अमेरिकन सिनेमा अटैम्प्ट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्शन सिक्वेंसी बट नोट ऑफ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ हुरी ATD फियरलेस ट्रू लीजेंट द रिबल सीरीज ऑन द वर्थ ऑफ वियजरा ऑल ओवर आल्सो होल नेस्टली फॉरबिडन किंगडम ऑल द सन विंगकोंग फिल्म एन एक्सप्रेशन जेट ली स्टार्ट लाइक वन ऑफ द डोनी एन स्टार्टेड लाइक SPL एंड लूक्सिया कैन बीट दिस एंड डाउन ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वालिटी हाउ एवर फॉर द हार्ड कोर कुंग फू अडेक्ट मी इंक्लूड दिस वन इज डेफिनेटली ए गुड वॉच इवन वर्थ बाइंग ए DVD ऑल इन ऑल रिकमांडेड एक्शन सिक्वेंसी आर एज यू वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मूवी विथ डोनी येन वेरी गुड इज डीड द ग्रिप ए आई हैव टू दैट द स्टोरी लाइन इज प्रीती वीक आई फाउंड इट हार्ड टू ग्रैप्स वाट वाज स्टोरी वाज एक्चुअली अबाउट वाज इज द डिफॉर्मेड लैग विज स्ट्रगल टू ओवरकम इज डिसबिलिटी और इज दैट वाइफ एंड हार्ड कैंसर मे बी इज गुड ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश सब टेक्स्ट गुड मूवी इधर वे होप दिस आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी एंड बेस्ट मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट बेस्ट एक्शन सीन्स आई एम ड्यू हार्ड फैन ऑफ डोनी येन द सुपर हीरो ही इज ए सो गुड इज एक्टिंग एज वेल एज इज स्टैंड अपियर क्लोज टू रियलिटी दिस मूवी इज अनडाउटफुल अनोदर फीदर इज द ग्लोरीफाइल्ड कैप एज मेरिटेरियल आर्ट्स फिल्म गो दिस वन इज द अप देर विथ एंट्री द ड्रैगन डोनी is outstanding and he is a distant story to great acting good character love this movie horror villain स्टोरी लाइन एंड सेटिंग वेस्टेड एंड 100 मिनट इज माई लाइफ एवरी थिंग इज नॉन सेंस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस दिस एंड स्टेप थैंक यू गुड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स एंड जस्ट वेस्टेड टाइम नो मनी फिनोमिनल मूवी वर्स्ट एंड बोर्डम नॉन सेंस स्टोरी रियल आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ ए मूवी नो एक्चुअली प्लॉट नो आइडिया नथिंग टू फॉलो इवन पार्ट सीन्स आर मोस्टली nothing to wait for and I like Asian action movie for Disney honor and material art cinematography here is about the letter was not really impressive overall cute a duel of grey movie best Chinese film I ever watch best action best acting not a second the screenplay feel you boring you have to watch it the story of kung fu killer who is other number one people fighter boxer kick fighting
स्पेशलिस्ट मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन ही इज नेल्ड टू एक्सीडेंटली किलिंग ए मैन व्हेन ए फ्यू कुंग फू एक्सपर्ट आर किल्ड इज ओपर टू हेल्प द कॉप्स इज रिटर्न फॉर दिस फ्रीडम बट इज डिप्रेशन सोक्स द कॉप्स एंड एब्सोल्युटली ब्रेक टेकिंग आई हैड टू वॉच द पोर्ट शो डाउन अगेन एंड अगेन ए रियल लव लेटर टू द कुंग फू फिल्म लीजेंड ट्रिपल एक्स ए क्लीन एंड पुलिस वे नोट टैक्सिंग एंड दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फाइट सीन्स एट द एंड विथ द किलर एंड यन वेरी वर्चुअल एंजॉय वेरी नाइस मूवी द एक्टर पुट जीनियस इफेक्ट द एक्शन आर टू हाई क्वालिटी द मूवी इज बेटर दैन मार्वल पिक्सर बिग इनपावरमेंट आफ्टर द लास्ट डोनी यन मूवी आइसमैन आइसमैन वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डोनी यन मूवी आई लाइक दिस मूवी बिकॉज द मूवी मेक मी वेरी एग्जिट एंड आई लाइक द मोस्ट एक्टर एंड कास्ट ऑफ दिस फिल्म डोनी यन नेवर लेट इज एज डाउन इंटेंसिटी मेटेरियल आर्ट सिक्वेंसी अमेजिंग टू वॉच एज वेल ए गुड मूवी एक्शन थम्स अप फॉर डोनी यन आई एम इज बिग फैन बेस्ट मेटेरियल आर्ट्स मूवी आई हैव सीन साइलेंस आई पी मैन वन से फोर गुड मूवी बट स्टॉप फाइटिंग ऑन द रोड ऑलरेडी इज अनाउंस्ड टू वॉच विथ ऑल ड्यूज ट्रक रनिंग यू ओवर गुड मूवी एंड इट इज एक्शन फिल्म यू कैन फील एंड एंजॉय इट गुड मूवी टू वॉच गुड एक्शन विथ डोनी यन गुड एक्टर नाइस स्टोरी बेस्ट फाइट सीन्स अवेज सम एक्शन बेस्ट एक्शन मूवी एवरी आई सीन लव इट वर्स्ट बेट बेटर बेस्ट मेटेरियल आर्ट्स मूवी आई एवरी वॉच आई हुज इट गुड हुग फैन ऑफ कुंग फू ग्रेट प्लानिंग एंड कराटे मेटेरियल आर्ट्स ऑफ दिस मूवी वेरी डोनी यन ऑलवेज ऑफ दिस फोर स्टार एक्शन डायरेक्टर इन क्रेडिट प्रीति कूल ऑल थ्रू द स्टोरी गोइज ए लिटिल ऑफ द रॉल्स द एंड स्टार्ट इज रेसेंबली समथिंग इज बिटवीन लेथल वेपन एंड फाइनल डेस्टिनेशन यस फाइनल डेस्टिनेशन लुक फॉर इट इट इज स्टिल बेटर दैन ऑल ऑफ द मूवी इज रेदर दैन ऑफ फ्रेंचिस अमेरिकन सिनेमा बेस्ट अटैम्प्ट एन एक्टिंग फाइटर फिल्म इमो द वॉरियर्स दिस इज वर्थ वॉचिंग जस्ट नॉट अप टू वॉच मच बेटर दैन लाइक ऑफ प्लेस अ पॉइंट पर्सनल फेवरेट राइजिंग फायर रिप बैनी चो स्पेशल आई डी एंड काउंटलेस अदर ग्रेट डोनी यन कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट गुड मूवी एक्सीलेंट एक्टिंग सिक्वेंसी बट ऑफ द क्वालिटी आई हैव एवरी थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड थिंक अबाउट एंड कुंग फू किलर इज असेंबली अबाउट द क्यूट ऑफ द टू मैन टू द बेस्ट फाइटर अलाइव द विलन इज वेरी ओवर आर्ट देर बेस्ट द एक्शन इज प्रीति एक्सीलेंट ऑफरिंग मैनी मेमोरेबल फाइट सीन्स पर्टिकुलर द सिनेमैटिक फाइट सीन्स बिटवीन हाउ एंड द विलन ऑफ द मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द पुलिस फोर्स गेट इम्प्रोवाइजेशन आफ्टर किलिंग ए मैन बाई एक्सीडेंट बट वैन वैक्सन किलर स्टार्ट फॉर टारगेट मेटेरियल आर्ट्स आफ्टर ए थ्रिलियर स्टेक आउट इन द वाटर वेज ऑफ लनतू पीवेर पीपुल ऑलमोस्ट कैच कुंग फू ऑफ दिस गुड थिंग इट इज पीती दैन दिस इज अनबीअवेलेबल ब्लैंड फिल्म इज द स्टाइल एंड स्टोरी डेस्पाइट ए फ्यू गुड स्टेज पार्ट सिक्वेंसी बाई आरोन हिल्स फुल रिव्यू इट इज जस्ट एन आउट एंड आउट मेटेरियल आर्ट्स मूवी विथ एन अप ऑफ ए प्लॉट टू गिव मीनिंग टू द फाइट एज अपोजिशन टू जिलेंस ओ वेरी पुअर एंड मेटेरियल आर्ट्स एंड एंटरटेनिंग कोंग होंग कोंग एक्शन विथ ए लॉयर विद एन स्टोरी लाइन एंड सम लोल स्कूल सेट पीस डोनी यन एंड वांग बियोंग इम्प्रेसिव विथ इट इज द 10th थ्रिलियर मिनट ऑफ एड टू हैंड कॉम्बैक्ट ग्रेपलिंग एंड वेपन्स बैम्बो स्टिक दिस इज एंड डाउन ऑफ दिस गुड ए मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्किंग एट ए पुलिस Academy gets impressive after killing a man by accident but when Vixen killer start target while Blood Moon was a simple kung fu flick with no higher ammunition kung fu jungle tech